फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारे पास फिलिप्स का 32 इंच का एलईडी रिपेयर में आया है, जिसका मॉडल नंबर है 32 PAFL 3938-V7A2। तो इस फिलिप्स एलईडी में प्रॉब्लम यह है, इसके अंदर वॉल्यूम प्लस माइनस अपने आप हो रहा है और उसके बाद रिमोट भी वर्क नहीं कर रहा है और पैनल भी वर्क नहीं कर रहा है। तो आज हम दिखाएंगे आपको इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एलईडी ऑन हो रहा है फिलिप्स का, फिलिप्स लिखा हुआ आ रहा है, नाम इस तरह लिखा हुआ आता है, ओनली इफेक्ट ऑन टीवी में। हमारा रिमोट भी वर्क नहीं करेगा, मैं इसको ट्राई कर रहा हूं कि ये वर्क करे, पर कोई फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है। इसका की का जो फंक्शन होता है, मेनू, वॉल्यूम, प्लस माइनस, जो भी फंक्शन अपने आप वर्क कर रहा है। प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो ओनली इफेक्ट ऑन टीवी है वो नहीं आएगा। इस एलईडी की फंक्शन की पैड हमें उसमें फॉल्ट लग रहा है, इसलिए हम इस फंक्शन की पैड को पहले रिमूव कर देंगे और फिर एलईडी चेक कर लेंगे। ये सेंसर पैनल है और ये की पैनल है, तो हम इस बीच, इसके दोनों के बीच में जो कनेक्ट वायर है हम उसे निकाल देंगे और फिर हम चेक कर लेंगे ये वर्क कर रहा है या नहीं। आप साफ देख सकते हो हमने की स्विच और सेंसर पैनल दोनों निकाल दिया है एलईडी में से, और अभी हम इस दोनों के बीच का जो केबल है ये उसे रिमूव कर देंगे। आप देख सकते हो हम इस की पैड को रिमूव कर रहे हैं, हमारा की पैनल रिमूव हो चुका है, जो सेंसर पैनल में लगा है हम उसे रिमूव कर देंगे, उसमें से निकाल देंगे, तो ये दोनों तरफ से ये केबल निकल जाएगा, रिमोट वर्क करेगा पर की पैनल डिसकनेक्ट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अगर वो की खराब होती है और उसी के कारण ये प्रॉब्लम हुआ है तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप साफ देख सकते हो हमने सेंसर पैनल को की पैनल में से डिसकनेक्ट कर लिया है और अभी हम इसे फिक्स करके एक बार हमारा एलईडी चेक कर लेंगे। उसी की जगह पर की पैनल लगा दिया है, आप देख सकते हो की पैनल डिसकनेक्ट कर लिया है, फिर भी इसमें ओनली इफेक्ट ऑन टीवी लिखा हुआ आ रहा है, मतलब इसका मदरबोर्ड खराब है। सबसे पहले हम इसकी फ्लैश आईसी चेंज करके देखेंगे, जिसे मेमोरी आईसी भी बोलते हैं, अगर उससे हो गया तो ठीक है, वरना पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। और इस मदरबोर्ड में हम आपको दिखाएंगे हम इसमें सबसे पहले क्या चेंज करेंगे। तो आप देखिए, ये इसकी मेन आईसी है ये, और हम फिलहाल इस आईसी को चेंज करेंगे, ये फ्लैश आईसी है, आप देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी है फ्लैश। अगर आपके पास वीडियोकॉन, सैमसंग की ब्रांड में ऐसा मदरबोर्ड हो तो आप उसमें से भी मेमोरी आईसी निकाल के डाल सकते हो, क्योंकि वीडियोकॉन, सैमसंग, फिलिप्स एक ही कंपनी है, तो उसकी फ्लैश आईसी भी चलेगी। और अगर मान लो उसके अंदर कोई वीडियोकॉन या सैमसंग का सॉफ्टवेयर हो तो ओनली आपका रिमोट चेंज हो जाएगा। हम मार्केट से इसकी फ्लैश आईसी ले आए हैं और इसमें एमएक्स कंपनी की फ्लैश आईसी लगी हुई है, जिसका नंबर है 25L32। एमएक्स कंपनी की फ्लैश आईसी है 25L32, ये ब्लैंक है। और मैं आपको बताऊंगा हम इसमें ब्लैंक आईसी क्यों डाल रहे हैं, उसका सब रिजल्ट बताऊंगा, क्योंकि फिलिप्स में, फिलिप्स वीडियोकॉन, सैमसंग में ऐसा है कि इसमें ब्लैंक आईसी डालने पर वो 15 मिनट आप स्टैंड बाई में रखोगे तो वो अपने आप सॉफ्टवेयर ले लेता है। साफ दिखाई दे रहा है एमएक्स कंपनी की
मेमोरी है, फ्लैश आईसी है, ये आईसी अभी तुरंत निकल जाएगी, आप देख लीजिए आईसी तुरंत निकल गई है, आपको मैंने लाइव दिखाया है, आपके सामने निकाल के आईसी को, हम आईसी की ट्रैक को क्लीन कर लेंगे। आप देख सकते हो मदरबोर्ड में से हमने ये वाली फ्लैश आईसी निकाली है, हम आईसी इसमें इंस्टॉल करेंगे जो ब्लैंक है फिलहाल। आप साफ देख सकते हो हमने पुरानी फ्लैश आईसी निकाल के नई फ्लैश आईसी मेमोरी आईसी इंस्टॉल कर ली है। आप देख सकते हो हमने मदरबोर्ड में फ्लैश आईसी फिक्स कर लिया है और मदरबोर्ड को एलईडी में फिक्स कर लिया है। हमने मदरबोर्ड को स्टैंडबाय में 15 मिनट रखा, फिर भी मेमोरी आईसी ने सॉफ्टवेयर नहीं लिया अपने आप। फिर हमने RT809F प्रोग्रामर की हेल्प से हमने फ्लैश आईसी को प्रोग्राम किया। आप देखिए, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने फ्लैश मेमोरी नया डाला, जो ब्लैंक था उसमें कहते हैं कि 15 मिनट अपने आप रखने पे वो सॉफ्टवेयर अपने आप ले लेता है फिलिप्स वीडियोकॉन सैमसंग में, लेकिन मैंने 15 मिनट रखा फिर भी मेरा सॉफ्टवेयर नहीं लिया। मैंने उसके लिए जो मैंने ये स्विचेस निकाले थे, आप देख सकते हो ये जो स्विचेस निकाले थे मैंने, वो भी नए डाल दिए, फिर भी नहीं लिया। सबसे लास्ट में मुझे ये करना पड़ा, जो RT809F प्रोग्रामर है उसकी हेल्प से मुझे इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ा, तो वो सॉफ्टवेयर ले लिया है और मैं आपको दिखाऊंगा वो सॉफ्टवेयर लेने के बाद हमारा एलईडी चालू हो गया है, वो सब दिखाऊंगा मैं आपको। और उसमें अभी मिरर इमेज का प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं अभी वही करके दिखाऊंगा आपको। और आपको RT809F कैसे यूज करना है अगर उसके बारे में जानना है डिटेल्स में, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। और हमने इसकी मेमोरी आईसी को, फ्लैश आईसी को प्रोग्राम कर लिया है RT809F से और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली हो गया है जो हमने आपको दिखाया आगे। और अभी हम इस एलईडी को रिमोट से ऑन करेंगे, आप देखिए हम रिमोट से ऑन कर रहे हैं, ये हमारा एलईडी ऑन हो चुका है और इसमें फिलिप्स उल्टा लिखा हुआ आ रहा है, मतलब इसमें मिरर इमेज का प्रॉब्लम है, तो हमें मिरर इमेज सर्विस मेनू में जाके सही करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फिलिप्स का सर्विस मेनू ओपन करेंगे, तो फिलिप्स का सर्विस कोड है मेनू, आप देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, मेनू 1950, आप देख सकते हो मेनू 1950 सर्विस कोड है जिससे सर्विस मेनू ओपन हो चुका है। और आपको हम दिखाएंगे, हम जाएंगे वीडियो में, हम आपको दिखाएंगे, हम जाएंगे वीडियो ऑप्शन में और उसके अंदर हम जाएंगे रिवर्स, इसमें जो ऑफ है हम गए वीडियो ऑप्शन में, इसमें जो रिवर्स ऑफ है उसे हम ऑन करेंगे, ये हमने ऑन कर लिया और वापस मेनू दबा के बैक जाएंगे और उसके नीचे सेटअप है, हम सेटअप में जाएंगे और जो पावर स्टेटस है ऑफ उसे हम ऑन कर लेंगे जिससे अपने आप एलईडी ऑन हो जाएगा, कस्टमर को बार बार रिमोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने ऑन कर लिया, अभी हम मेनू प्रेस करेंगे, बैक जाएंगे, वापस मेनू प्रेस करेंगे और बैक जाएंगे, उसके बाद एलईडी को रिमोट से ऑफ कर लेंगे और उसको पावर से डिसकनेक्ट कर लेंगे, के बाद वापस ऑन करके देख लेंगे। आप देख सकते हो हमारा एलईडी अपने आप ऑन हो गया है और फिलिप्स सीधा लिखा हुआ आ रहा है और हमारा एलईडी मिरर इमेज में से भी निकल गया है, मतलब परफेक्ट हो गया है। और आपको अभी हम सिग्नल देके दिखाएंगे, आप देख सकते हो परफेक्ट हो गया है हमारा एलईडी। खड़े होने का है, फ्रेंड ने कहा है कि युद्ध खत्म होने तक पुतिन का साथ दे लो। आप देख सकते हो हमारा फिलिप्स का एलईडी परफेक्ट हो चुका है। और ऐसे ही टेक्निकल नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप जितना भी शेयर करोगे उतना लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा और हमारे टेक्नीशियन फ्रेंड्स, हमारे टेक्नीशियन मित्र को ये वीडियो देखने को मिलेगा और जिनके पास ऐसे फॉल्ट आएंगे वो ये वीडियो देख के ऐसे फॉल्ट सॉल्व कर पाएंगे और उनकी इनकम जनरेट कर पाएंगे।
तो प्लीज हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद टेक्नीशियनों को ये वीडियो देखने को मिले।